हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे हियर वी आर विद वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज SES. ओके, नाउ व्हाट डज दिस सिंपल इंडिकेट्स. ठीक है, SES इट मींस दैट इज योर साइट एंगल साइड. ओके, इसका मतलब होता है आपके पास साइड एंगल साइड. ओके, नाउ व्हाट इज साइड एंगल साइड एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो ये एंगल है ये इन दोनों साइड्स के बीच में क्या है, इंक्लूड है. ओके, दोनों साइड्स के बीच में आपका ये जो एंगल है ये इंक्लूड है. ओके, कैसे, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है. टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल. एक ट्रायंगल है मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल लाइक दिस. ठीक है, इसकी कोई दो साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, लेट ए बी सी. ओके, तो एक साइड आपके पास ये है, एक ये है, इनके बीच में एक एंगल इंक्लूड है. उसके साथ आपके पास दूसरा कोई ट्रायंगल है, दैट इज योर पी क्यू आर. ओके, और एक साइड आपके पास पी क्यू है और क्यू आर है और ये इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल है. ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स कौन सी, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, और ये जो एंगल बी है यहाँ पे और जो एंगल क्यू है, ठीक है, अगर हमारे पास ये क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड. ठीक है, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, यानी कि यहाँ से ये दो साइड्स एंगल, ये दो साइड ये एंगल, और जब मैं इस एंगल को इस एंगल के ऊपर रखूँ और ये कम्प्लीटली क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए. ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, वो भी देख लेंगे. सबसे पहले के एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, कि एग्जांपल हमारे पास क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें आपके पास जो ए बी है दैट इज़ योर 5 सेंटीमीटर, जो बी सी है दैट इज योर 6 सेंटीमीटर. ठीक है, एंगल ए बी सी हमने मान लिया आपके पास है 40 डिग्री. ओके, तो इसे ड्रॉ जब हमने किया तो ये कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा ए बी और ये सी. ठीक है, नाउ ए बी इज योर 5, बी सी इज योर 6 एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री. उसके बाद आपके पास कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, यहाँ पर आपके पास जो पी क्यू है दैट इज 5 सेंटीमीटर, क्यू आर इज योर 6 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर इज 40 डिग्री. ओके, और यहाँ से ये इस तरीके से आपके पास बनेगा पी क्यू आर, पी क्यू इज 5, 6, 40 डिग्री. ठीक है, और जब मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूंगी तो ये इसे कम्प्लीटली कवर कर लेगा. कम्प्लीटली क्या कर लेगा, कवर कर लेगा. ठीक है, तो दैट इज़ योर साइड एंगल साइड, यानी ये जो एंगल है इन दोनों साइड्स के बीच में हमारे पास इंक्लूड है. ओके, इसके बाद डिफरेंस क्या होता है, अब ये भी देख लेते हैं हम. ठीक है, कि डिफरेंस हमारे पास क्या होता है जब ये एंगल डिफरेंट तरीके से दिया हो, साइड एंगल साइड. ओके, एंड साइड साइड एंगल. अब आप कहोगे मैम यहाँ पे भी तो हमारे पास दो साइड एक एंगल है, यहाँ पे हमारे पास साइड एंगल साइड, यहाँ भी दो साइड और एक एंगल है, बट यहाँ पे आपके जो दोनों साइड्स हैं उनके बीच में एंगल है, और यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी हेयर. ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी हेयर, यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अब किस तरीके से इस चीज़ को हम देख सकते हैं, किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कब ये इक्वल होगा और कब इक्वल नहीं होगा. ठीक है, चलिए मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया पी क्यू, पहले ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, पी क्यू आर पे हम कंडीशन लगाएंगे, जिसके अंदर जो ए बी है दैट इज़ योर 4 सेंटीमीटर, ए सी दैट इज़ योर 3 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी इज 40 डिग्री. अब देखिए आपकी, मैंने ट्रायंगल बना लिया है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 4 है, ए बी ए सी 3 है और ए बी सी ये 40 डिग्री है. ठीक है, तो दो साइड्स हैं, एंगल है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो इंक्लूड नहीं है. ठीक है, एंगल
नॉट इंक्लूडेड हेयर, ठीक है, दोनों के बीच में नहीं है, यहाँ नहीं है, एंगल यहाँ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये साइड साइड एंगल हो गया। अब एक और ट्रायंगल मैंने ले लिया पी क्यू आर, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपकी पी क्यू है वो मैंने ली 4 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपकी पी आर ली वो हमने ली 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल क्यू दैट इज़ योर 40 डिग्री, 40 डिग्री लिया, ठीक है। अब मैंने ड्रॉ किया पी क्यू आर, पी क्यू आर 4, 3 पी क्यू पी आर एंड दैट इज़ योर 40 डिग्री। अब इसी ट्रायंगल को मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हूँ। अब इसको जब मैं इसके ऊपर रखूँगी ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये हमने साइड साइड एंगल लगा दिया, लेकिन मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये एंगल क्यू ले लेती हूँ, ये पी है और ये आर है, ठीक है। तो पी आर सॉरी पी क्यू इज 4, पी आर इज 3 एंड दिस वन इज 40 डिग्री इस एंगल को, ठीक है। तो जब मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, आप देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हैं, जब मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं जा रहा है, बट इस तरीके से ड्रॉ किया तो जा रहा है। इट मीन्स दैट इज डिपेंड अपॉन कंस्ट्रक्शन कि आप किस तरीके से उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसके अंदर रिजल्ट्स लगाने हैं कि साइड साइड एंगल, साइड एंगल साइड किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। Okay, in the next video we will talk about one more important topic. Thank you so much.